सो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल जस्ट ग्रैब इट। सो हियर वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ इंस्टेंट रवा इडली। बिफोर स्टार्टिंग अ रेसिपी प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर चैनल। यहाँ मैंने आधा किलो सूजी ली है, इसमें मैंने एक कप दही डाली है, हाफ स्पून नमक। अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे। यहाँ मैंने आधा गिलास पानी डाला है। यहाँ मैं आधा गिलास और पानी डालूंगी। बैटर मुझे थोड़ा थिक लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। आप बैटर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है क्योंकि अब मुझे पानी कम लग रहा था। और यहाँ हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपको भी रखनी है। और हम इसको आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। यहाँ पे अब हम राई का छौंक लगाएंगे। आप राई या सरसों किसी भी चीज़ का छौंक लगा सकते हैं। यहाँ पे हम एक टेबलस्पून ऑयल लेंगे। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें आधा चम्मच राई और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। राई में अच्छे से तड़का लग गया है, गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। सो यहाँ हमारे बैटर को आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे बाद ये बैटर थोड़ा सा थिक हुआ है पहले से। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार फिर। और इसमें हम दो पाउचेस इनो के डालेंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेंगे। या तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं या क्लॉकवाइज घुमाएं। और ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब इनो डालने के बाद हमें बैटर की ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा और पानी डाल लीजिए। अब इसके बाद हम इसमें अपना राई का छौंक डालेंगे जो हमने अभी बनाया था। हमने अपने बैटर को उसी डायरेक्शन में घुमाना जिस डायरेक्शन में हमने इनो डालने के बाद घुमाया था, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सो यहाँ मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी उबलने के लिए रख दिया है। और अब हम अपना इडली स्टैंड ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, ताकि इडली नीचे लगे ना और आराम से स्टैंड से बाहर आ जाए। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर पोर करेंगे। बिल्कुल लाइटली हमें इसमें पोर करना है, ना ज़्यादा ना कम।
और ये स्टैंड में मैंने पोर कर दिया और ये स्टैंड बंद कर दिया है, यहाँ मेरा पानी बॉईल हो गया और इसमें मैंने इडली स्टैंड रख दिया है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम ढक देंगे। और अब 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम लिड हटा के देखेंगे कि हमारी इडली तैयार हुई कि नहीं हुई। और यहाँ हमारी इडली बिल्कुल रेडी है, आप इसे नाइफ से चेक कर सकते हैं, अगर नाइफ क्लियर बाहर आ रहा है दैट मीन्स हमारी इडली बिल्कुल रेडी है। ये नाइफ बिल्कुल क्लियर है तो हमारी इडली रेडी है। मैं इडली स्टैंड निकाल लूँगी। अब हम इडली को स्टैंड से निकाल लेते हैं बाहर और इसको सर्विंग के लिए रेडी कर लेते हैं। ये ऑयल लगाने की वजह से बहुत ही आराम से बाहर आ गई है। और यहाँ मैंने सारी इडली निकाल ली है और ये बहुत ही सॉफ्ट है, स्पंजी है। यहाँ मैंने इडली सर्व कर दी है, ये बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इस इडली को ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, सांभर के साथ खा सकते हैं या वाइट नारियल की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पंजी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।